गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोली धनकार जी। आज का टॉपिक है रोशन मीनार। प्यारी सत्संग जी, संत महात्मा जो होते हैं लाइट हाउस रोशन मीनार हुआ करते हैं। संत जहाँ भी जाते हैं वहाँ से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है, ब्रह्म का अंधकार दूर हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं ये जले हुए दीपक के जैसे होते हैं। अगर एक दीपक जल गया है तो वो फिर लाखों दीपक को जला देगा। ब्रह्मज्ञानी स्वयं इस ज्ञान के उजाले में जीते हैं, इस निराकार के साथ जुड़कर रहते हैं, सेवा सत्संग और सिमरन करते रहते हैं, भक्ति में तल्लीन रहते हैं। तो जो ब्रह्मज्ञानी का जो विश्वास होता है वो अटूट होता है इस निराकार दातार पर, यही परमात्मा, यही सब कुछ करने वाला है। तो जिनके मन में पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, वही तो सबको विश्वास दे सकते हैं। ऐ मन रख विश्वास प्रभु पर, नित्य आनंद उठाएगा, पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नया डगमगाएगी, है अगर विश्वास का चप्पू नया डूब ना पाएगी। विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है, विश्वासी जन को ही मिलता इससे सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा पग पग ठोकर खाएगा, ईश्वर पर विश्वास रखेगा मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है, दीन दयालु ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हृदय वो डोल न जाना चाहे, कुछ भी हो जाए। तो विश्वास, प्रबल विश्वास, अटूट विश्वास संतों के पास होता है और संत यही विश्वास को बांटते हैं। क्योंकि आज कमी होती है तो हमारे विश्वास में कमी होती है, तो हम फिर अरदास प्रार्थना भी करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कि विश्वास जब कमजोर होता है तो परमात्मा से भक्त अरदास करते हैं कि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, कि हे प्रभु हर हाल में आप पर हमारा विश्वास रहे, अटूट विश्वास रहे, अटूट बंधन रहे, हमारा एतबार एतबार जो है ये डोल ना जाए, मेरा डोले ना एतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतान का सत्कार, कि हम संतों का सत्कार करें। तो ये एक अवस्था, एक विश्वास की अवस्था, एतबार की अवस्था संतों के पास होती है। फिसल जाते हैं वे लोग जिनके ईमान डगमगाते हैं, उसूलों के पक्के लोग ही इतिहास बनाते हैं। जिनका ईमान एतबार उसूल पक्का है इस दातार पर निराकार पर, वही इतिहास बनाते हैं। तो ये संत महात्मा जो होते हैं लाइट हाउस रोशन मीनार होते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं भ्रम भ्रांति को दूर करते हैं, अंधविश्वास को दूर करते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं, ज्ञान का उजाला, ज्ञान का प्रकाश सबको देते हैं, सबको समझाते हैं कि यही परमात्मा है जो हर जगह है। वरना परमात्मा को लेकर तो आज आदमी आपस में लड़ता है कि मेरा राम बड़ा है, फिर कोई कहेगा मेरा अल्लाह बड़ा है। तो संत ही समझाते हैं कि सब एक ही है, सबका मालिक एक, यही निरंकार है, यही परमात्मा है। काशी काबा एक है, एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत बैठ कभी राजीम। कि काशी काबा एक है, राम और रहीम भी एक है, जैसे मैदा एक ही है, उस मैदे से, उस मैदे को गूंद कर हम कोई भी पकवान बना सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमारा जो मन का विश्वास कैसा है, हम जिस रूप में भगवान को मानते हैं भगवान उस रूप में हमको मिलते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी संत समझाते हैं कि यही निराकार है, इस एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। धर्म के नाम पर आज, भगवान के नाम पर आज दंगे फसाद होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर दंगे फसाद होते हैं। इसका रीज़न है कि सिर्फ अज्ञानता, इग्नोरेंस, सब अपने अपने भगवान को बड़ा बताते हैं, लेकिन ये समझ नहीं है, पता नहीं कि भगवान तो एक ही है। भगवान
सबका भगवान एक है। भगवान कोई 10 20 50 नहीं होता, भगवान तो भगवान है, ईश्वर तो ईश्वर है और वो एक है। चाहे गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, वाहेगुरु कहो, निरंकार कहो, कुछ भी कहो, एक ही है, सिर्फ एक, एक अव्वल, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। यह पहला सबक है किताब हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का, कि एक ही कुनबा है, एक खुदा का कुनबा है, ग्लोबल विलेज, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व। आज संत महात्मा हम सबको पार पाते हैं भाईचारे का, विश्व बंधुत्व का, अमन शांति का, कि पूरी दुनिया हमारी है, हम ग्लोबल विलेज के रहवासी हैं, सारी धरती हमारी है, धरती में रहने वाले सब हमारे हैं, सबका मालिक एक है, हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है। तो ये संत ही समझाते हैं, संसार में संत जाते हैं, लाइट हाउस रोशन मीनार बनकर जाते हैं और सबको समझाते हैं, सत्य के साथ जोड़ते हैं, सत्य की नेक डगर पर चलते हैं, सच्चाई का पैगाम देते हैं, प्रेम का पैगाम देते हैं कि हम सब एक हैं, हम सबका मालिक एक है, हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, हम सबका खून लाल है, हम एक जमीन, हमारी धरती एक ही है, हम एक ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सूरज भी एक ही है, तो हमारा मालिक भी एक ही है, परमात्मा भी एक ही है। तो एकत्व वननेस का पैगाम देते हैं संत महात्मा, लाइट हाउस रोशन मीनार बनकर वननेस, एकत्व का संदेश देते हैं और धरती पे अमन शांति की स्थापना करते हैं। संत महात्मा धरती के लिए वरदान होते हैं, धरती पे राम राज लाते हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है आज संतरंकारी मिशन के हर संत की, क्योंकि सदगुरु जी ने हमें अपने जैसा बनाया है। सदगुरु करे आप समान, सदगुरु ये ब्रह्म ज्ञान देकर अपने जैसा बना देते हैं। जो शक्ति सदगुरु के पास होती है वही शक्ति अपने सेवक को भी देते हैं, अपने संत को दे देते हैं। तो सदगुरु स्वयं तो दिन रात ये काम करते हैं और अपने संतों को भी यही सेवा देते हैं कि जाओ लाइट हाउस रोशन मीनार बन के सारे संसार को रोशन करो, संसार में जो ये अज्ञानता का अंधकार है तो इसे रोशन करो, ज्ञान की रोशनी से सबको नहलाओ, हर जगह ज्ञान के दीप जलाओ। ये सतगुरु का संदेश है कि ज्ञान दीप बनकर हम रहें, इस ज्ञान उजाले को फैलाएं, ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। गुरु वचन है ज्ञान का दीपक, हम इसके परवाने हैं, सच्चाई की वर्दी पहने हम तो प्रेम दीवाने हैं, सेवा दल की पूंजी साकी मुर्शद के वरदान है। तो ये जो सेवा दल मार्चिंग गीत भी हम गाते हैं कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। तो हर संत सिपाही सेवादार, लाइट हाउस रोशन मीनार है। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।